हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कॉम्बिनेशन स्विच का बारे, देखिए ये एस गोल्ड गाड़ी है, ठीक है। एस गोल्ड जो गाड़ी होती है डीजल वाली, वो है, ठीक है। देखिए ये उसका कॉम्बिनेशन स्विच है, BS6 गाड़ी है, ठीक है। और ये हो गया उसका पीछे का वायरिंग, और इसके सभी वायर देखिए यहाँ पर इसका कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल के रखे हैं इसका कनेक्शन, ये इसका सारा कनेक्शन हो गया। इसी के एक एक वायर को जानेंगे, कौन वायर किस चीज़ के लिए है, उसका काम क्या है, कौन इनपुट है, आउटपुट है, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, वाइपर, वाशर, फोर इंडिकेटर स्विच, टर्न सिग्नल, ये सारा चीज़ इसी से गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो एक नंबर में देखिए, जो वाइट कलर का जो वायर दिख रहा है ना एक नंबर पे, हाँ ये जो वायर है ये यहाँ से ना डायरेक्ट हेडलाइट का जो रिले है, हाई बीम रिले, उसके पिन नंबर 86 में गया है ये वाला वायर, ठीक है। ये वाइट वाला वायर, ओके, ये वाइट वाला। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे रेड पे ब्लू कलर का वायर है, ठीक है। और ये जो वाइट कलर का जो वायर है ना, इसमें जब भी करंट आएगा ये डायरेक्ट जा करके हेडलाइट का हाई बीम का जो रिले है उसको ऑन कर देगा, और फिर वहीं से पॉजिटिव चला जाएगा हेडलाइट के पास, ठीक है। इसके एक एक वायर पे ऑलरेडी मेरा वीडियो बना है, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, वाइपर, वाशर, सब कुछ पे वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी हम इसके सिर्फ कॉम्बिनेशन स्विच के जो वायर है उस पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला है ये हेडलाइट का हाई बीम में चला गया है डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद से देखिएगा एक रेड पे ब्लू कलर का वायर है, ठीक है। ये रेड पे ब्लू कलर का वायर है, ये कॉम्बिनेशन स्विच का इनपुट है, ठीक है। यही वायर से करंट जाता है पार्किंग लाइट का दोनों वायर में, वाइट वाला और ग्रे कलर का जो वायर होता है ना, यहीं से करंट, अगर ये यही अगर कट जाए तो फिर ये वायर पार्किंग लाइट आपका ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया दो वायर। उसके बाद तीन नंबर पे देखिए यहाँ पे एक ग्रे पे रेड कलर का वायर है, ठीक है। ग्रे पे रेड, तीन नंबर ग्रे पे रेड कलर का वायर, ठीक है। ये जो वायर है ना ये भी इनपुट है, लेकिन ये हेडलाइट का, ठीक है। अगर ये कट जाएगा ना तो हेडलाइट का ना लो बीम जलेगा ना हाई बीम जलेगा, ठीक है, क्योंकि इस यही वायर हेडलाइट के लो बीम का रिले में भी करंट देता है और हाई बीम का भी, ठीक है। ये इसी यही वायर ये वाइट वाला में भी टच होता है, जब हाई बीम जलाइएगा तो यही वायर का कनेक्शन वाइट वाला में जाएगा। और ये जो येलो पे ब्लू कलर का जो वायर देख रहे हैं ना, उसके बाद से ये वायर जो है ये लो बीम जो रिले है ना हेडलाइट का, उसके पिन नंबर 86 में गया है, ठीक है। और ये जो ग्रे पे रेड जो देख रहा है ना, ये पीला के बगल में, यही वायर ये येलो पे ब्लू है और वाइट, यही दोनों में यही वायर से करंट जाता है। जब हेडलाइट का लो बीम जलाइएगा तो पीला वाला में देगा, और हेडलाइट का हाई बीम जलाइएगा तो यही वायर फिर वाइट वाला में भी देगा, ठीक है। और उसके बाद से आइए देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ना ये ब्राउन का जो वायर होता है ना, मतलब ब्राउन कलर का, उस पर ग्रीन कलर का है, ठीक है, ब्राउन पे ग्रीन है। और ये हॉर्न के लिए है, ठीक है, ये हॉर्न के लिए है, ये निगेटिव है, ओके। और उसके बाद से देखिए एक और ये ग्रे पे रेड कलर का वायर है, देखिए यहाँ पे ग्रे पे रेड कलर का वायर, ठीक है। ये जो वायर है ये आता है वाइपर के लिए, ठीक है। देखिएगा एक फ्यूज होगा वाइपर, ये टर्न वाइपर वाशर, ओके, उसी फ्यूज से ये मतलब पॉजिटिव वायर है वाइपर के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो वायर है ये वाइपर का लो स्पीड के लिए, ठीक है। लो स्पीड मतलब यही जो ग्रे कलर का जो वायर है ना, इसी यही करंट देता है इसको, ठीक है। तो लो बीम भी चलते, लो जो स्पीड है वो भी चलता है, और हाई जो ये जो पीला पे लाल दिख रहा है ना लास्ट वाला, इसमें ये हाई स्पीड का है। जब इसमें करंट देगा ये ग्रे पे रेड वाला वायर तो हाई स्पीड चलाएगा, और जब ग्रे पे रेड वाला वायर काला वाला में जब करंट देगा तो लो स्पीड चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नौ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ तक है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे नौ नंबर, देखिए यहाँ ग्रे पे ब्लू कलर का वायर है, ठीक है, ग्रे पे ब्लू कलर का वायर है नौ नंबर पे, ठीक है। ये है बायां साइड का पार्किंग लाइट, ठीक है, लेफ्ट साइड का पार्किंग लाइट, इस वायर में करंट आएगा तो लेफ्ट साइड का पार्किंग लाइट जलेगा, ठीक है। और पार्किंग लाइट का इनपुट कौन है, ये रेड पे ब्लू वाला, अगर वही कट जाएगा तो फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई मतलब ये जो है ये जो ग्रे पे ब्लू है ये है लेफ्ट साइड का पार्किंग, और ये देखिए ये वाइट ग्रे पे वाइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रे पे वाइट है, ये है राइट साइड का पार्किंग लाइट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक रेड पे येलो कलर का वायर है, ठीक है, रेड पे येलो कलर का वायर है। ये जो वायर है ना ये आया है, मतलब ये फोर इंडिकेटर का जो हैजार्ड करके एक लिखा होगा फ्यूज बॉक्स पे, ठीक है, हैजार्ड वहीं से आया है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव वायर है। और उसके बाद से आता है ब्लैक पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ब्लैक पे रेड, ये फ्लाशर का है, ठीक है। फ्लाशर में जो वायरिंग होता है ना, जो टी टी जो मतलब बिलिंग करता है, वही वाला ये वायर है, आउटपुट है फ्लाशर का, ठीक है। और ये जो ग्रीन पे येलो है ना, उसके बाद से ये फोर इंडिकेटर के लिए है, ठीक है, फोर इंडिकेटर के लिए है। और ये एक ग्रीन कलर का वायर है, उसके बाद से
और ये एक ग्रीन कलर का वायर है, उसके बाद से एक ब्लू कलर का वायर है, ठीक है। ये ग्रीन हो गया राइट साइड का इंडिकेटर और ब्लू जो है ना वो है गया लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर का है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक आता है सबसे लास्ट में एकदम प्लेन वाइट है, ठीक है, ये वाला वायर। ये जो वायर है ना ये एकदम मतलब ये हो गया पार्क का, ठीक है। ये वाइपर में जो पार्क का होता है ना, पार्क का जो लाइट, अच्छा इस वायर का काम क्या है, ठीक है। ये पार्क का लिखा होता है, इसका काम यही है कि आप वाइपर शीशा पे जो चल रहा है उसको कहीं भी रोकिए, वो अपने ही जगह पे, जैसे आप चलाएं और रोक दिए, मतलब थोड़ा सा चल के रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब चला दिए हैं तो वो पूरा आएगा और अपने जगह पे ही जाके रुकेगा, ठीक है। ये उसी का काम करता है ये पार्क वाला जो वाइट कलर का जो वायर है ये, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन स्विच का टोटल वायर, ठीक है। अब ऐसे मेरा सारा चीज़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जो ये गाड़ी है एस गोल्ड, ठीक है, BS6, इसके सभी एक एक चीज़ के, यहाँ पे देखिए मीटर बोर्ड है, मीटर बोर्ड का एक एक वायर पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ये जो स्विच आप देख रहे हैं इस पर भी सब कुछ अपलोड है, ठीक है। तो आप जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक एक मतलब 8 या 7 ऐसा कुछ पार्ट में पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है BS6 का, जो इस गोल्ड गाड़ी है डीजल वाली, ठीक है।